सबसे पहले तो जो इस मिशन 10,000 इस जूम मीटिंग के अंदर में जितने भी लोग उपस्थित हैं उन सभी लोगों को मेरा नए वर्ष के अवसर पर ढेर सारी बधाइयां एवं शुभकामनाएं कि जो मिशन से आज हम लोग चल रहे हैं और जिस मकसद से हम लोग आज इस मीटिंग में उपस्थित हुए हैं तो वो सभी लीडर्स हैं और सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि समय बहुत कीमती है और इस लिमिट समय के अंदर में हमें सारी चीजों को पाना है। तो ये कैसे संभव है, कैसे हो सकता है? सभी लोग तक मेरी आवाज आ रही होगी ना? हाँ जी आ रही है। आ रही है। तो थोड़ा सा अपने आप को गर्म करने के लिए दो लाइन बोलूंगा ताकि मैं लोगों तक भी बातें पहुंची कि बोलते हैं ना कि इंसान भी क्या चीज है, इंसान भी क्या चीज है। दौलत पाने के लिए सेहत खो देता है और फिर सेहत पाने के लिए दौलत खो देता है। जीता ऐसे है जैसे कभी मरेगा ही नहीं और मर ऐसे जाता है जैसे कभी जिया ही नहीं। तो आप किस राह पे हैं कृपया ध्यान दें। सबसे बड़ी बात है कि आज हम लोग इनेजिक में हैं और इनेजिक एक ऐसी कंपनी जो एक ऐसा डिवाइस लेकर आई हम लोगों के बीच में जो आज भारत के अंदर में बहुत सारे लोग इस मशीन का उपयोग कर और अपना और अपने परिवार का स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। बहुत सारे रिजल्ट्स भी आए हैं, बहुत सारे लोगों के टीम में भी बहुत सारे रिजल्ट्स आएंगे और आए होंगे। यही वजह है कि आज 45 साल से आज 170 देशों के अंदर में ये प्रोडक्ट लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो किसी भी कंपनी का सबसे बड़ा मजबूती होता है उसका प्रोडक्ट, कि वो कितना मजबूत प्रोडक्ट है और कितना वैल्यूबल प्रोडक्ट है और कितना जरूरत का प्रोडक्ट है। तो ये एक मोस्ट इसेंशियल प्रोडक्ट है जो हर घर में जाने लायक है, हर घर में जाएगा। अब है कि हिंदुस्तान के अंदर में आज 5 साल हो गए 2016 से अभी तक। हम लोग जब शुरुआती दौर में जब इस बिजनेस के अंदर में आए थे तो हम लोगों को मालूम नहीं था, जहां भी जाते थे लोगों से बातें करते थे तो 1.5 लाख 3 लाख का मशीन सुनकर लोग बहुत आश्चर्य करते थे कि ये कैसे संभव है, ये नहीं हो सकता है। आज लोग 10,000 20,000 का प्रोडक्ट नहीं लगा रहे हैं अपने घर में आरो, तो कैसे लोग लगाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग थे जो अपने हेल्थ के प्रति बहुत ज्यादा सतर्क थे, बहुत ज्यादा परिवार के अंदर में कुछ कठिनाइयां थी, कुछ बीमारियां थी, जिसके वजह से कुछ लोग धीरे धीरे लेना शुरू किए। लेने के बाद जब लोगों को रिजल्ट्स आने शुरू हुए तो लोगों तक ये बातें पहुंची कि ये पानी बहुत बढ़िया पानी है और इससे लोगों की बीमारियां ठीक हो रही है। तो धीरे धीरे और भी लोग लगाना शुरू किए। लेकिन इस दौरान हमने जो महसूस किया इन 4 सालों के अंदर में कि इस प्रोडक्ट को लेकर सिर्फ दो ही सवाल आज तक उठे हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत महंगी है और दूसरा कि जो लोग ये प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल करेंगे तो क्या वो मर जाएंगे? क्या सिर्फ जो लोग कैंगन वाटर मशीन लगाएंगे वही जिंदा रहेंगे? तो मैंने एक ही बात कहा कि भाई देखो क्या है कि मरना तो सबको तय है, जितने लोग जन्म लिए हैं वो सब मरेंगे, ये दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है। लेकिन अंतर यही है कि जो लोग इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बिना 10 लाख 20 लाख हॉस्पिटल में दिए नहीं मरेंगे। और मुझे विश्वास है कि जो इस प्रोडक्ट को लगाकर और रखेंगे अपने घर में तो कम से कम हॉस्पिटल में पैसा नहीं देंगे, स्वतः मौत होगी उनकी। तो पैसा तो आप बाद में खर्च करें या अभी खर्च करें, लेकिन अगर स्वस्थ जिंदगी बितानी है, क्योंकि बोलता है वेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी, तो ये प्रोडक्ट काफी लाभदायक सिद्ध होगा। तो धीरे धीरे आज लोगों के अंदर में बहुत विश्वास बढ़ा है इस प्रोडक्ट के प्रति, लोग लगा रहे हैं। तो आज तो सभी लोग लीडर्स हैं, सभी लोग 3-4 सालों से काम कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से काम करके बड़ा बड़ा अचीवमेंट लिए हैं, बहुत सारे पैसे कमाए हैं, बहुत सारे मशीनें लगाए हैं, बहुत सारे अनुभव उनके पास आए हैं। तो आज जो मकसद से आज जो मिशन 10,000 हम लोगों का जो ये टीम का जो मकसद है कि कैसे इस 2022 के अंदर में 10,000 मशीनें हम लोग लोगों के घरों तक लगा दें, नई मशीनें, और कम से कम 50 ऐसे नए लोग तैयार करें जो करोड़पति बने, जो 1 करोड़ के क्लब में शामिल हों। तो ये कैसे संभव है,
ये कैसे हो सकता है? तो सबसे बड़ी बात है कि हर एक चीज को देखने का अपना अपना नजरिया होता है कि आप किसी चीज को किस नजरिए से देख रहे हैं। आपके अंदर में सबसे पहले तो एक विश्वास पैदा करना होगा कि ये ऐसा संभव है। तो आज जीवन एक बार मिला है, बार बार जिंदगी मिलती नहीं है, और एक बार जीवन मिलने के बाद इतना बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिली है जहां आपको मालूम है कि 1 करोड़ रुपया कमाने के लिए हमें करना क्या होगा। यानी कि 200 मशीनें, जो कि अभी दीपक जी बता रहे थे कि हर लीडर अगर 200 मशीन 2022 के अंदर में लगा देता है तो उसके घर में 1 करोड़ रुपया आ जाएगा। सही है या नहीं? सही है। 200 मशीन लग जाने से 1 करोड़ रुपया आ जाएगा पक्का। यानी कि मिशन हम लोग का ये है कि जितने भी लीडर आज हम लोग के साथ शामिल हैं, इनमें से कई एक लोग ऐसे हैं जो 1 करोड़ से ऊपर कमा चुके हैं, लेकिन उनको अब उनकी जिम्मेवारी है जो कमा चुके हैं कि अपने टीम के जो लोग हैं जो नहीं कमाए हैं उन सभी लोगों को 2022 में 1 करोड़ रुपया कम से कम कमवाएं। अगर वो 1 करोड़ रुपया कमा लेंगे तो आप 10 करोड़ कमा लेंगे। तो मकसद कभी भी खुद का कमाने का नहीं होना चाहिए कि हम कितना कमाएंगे। हमारा सिर्फ मकसद ये होना चाहिए कि हमारे टीम के अंदर में ज्यादा से ज्यादा लोग पैसा कमाएं। अगर टीम के अंदर में लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएंगे तो हमारे घर तो स्वतः ही ये पैसा ज्यादा आएगा। तो अब है कि हम अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा कैसे ये लोग निकाल सकते हैं और कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम करोड़पति के क्लब में शामिल कर सकते हैं, इस बात को सोचना बहुत जरूरी है। और इस बात को सोचने के लिए हर एक व्यक्ति सोच भी रहे होंगे कि कैसे ये संभव है। तो एक नया व्यक्ति जो आज इस बिजनेस के अंदर में आता है, हमें उसके दृष्टिकोण से देखना है कि 2022 में वो व्यक्ति आज जनवरी महीने में ज्वाइन किया है और दिसंबर तक उसके टीम में 200 मशीनें कैसे लग सकती है। तो ये आंकड़ा जो है बहुत ही आसान है। अब है कि उसको सफलीभूत कराने के लिए और उसको धरती पे उतारने के लिए प्रैक्टिकली रूप से ये कैसे संभव होगा, ये बात का विषय होगा। फिलहाल जो आंकड़ों का विषय है तो उस व्यक्ति को ये करना होगा कि सबसे पहले अपने टीम के अंदर में 10 लोग उनको लाना होगा, ऐसे लोगों को लाना होगा, नए लोगों को, या जो लोग उनके टीम में जो जुड़े हुए हैं उनमें से 10 ऐसे लोगों को निकालना होगा जो इस बिजनेस से अपने सारे सपनों को पूरा करना चाहते हैं। इस बिजनेस से अपने उन तमाम सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें कुछ कीमत भी चुकानी होगी, और अगर वो अपनी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं और अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहला काम करना होगा कि अपना 10 लीडर तैयार करना होगा। और वो 10 लीडर तैयार करने के लिए 10 साल की जरूरत नहीं है या महीना, 2 महीना, 6 महीने की भी जरूरत नहीं है। अगर वो चाहें तो 15 दिन के अंदर में 10 ऐसे लोगों का चुनाव कर सकते हैं। वो चुनाव वो कर सकते हैं कि अपनी जिंदगी में उन्होंने जब इतने साल तक 30 साल 35 साल 40 साल 50 साल का उम्र हुआ है तो ऐसे 10 लोग को जरूर जानते होंगे कि जो पैसा कमाना चाहते हैं, जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं और उसके लिए जो कीमत चुकानी होगी वो चुकाने के लिए तैयार हैं, मेहनत करने के लिए तैयार हैं। वैसे 10 लोग अगर आ जाते हैं तो उन 10 लोगों के साथ स्ट्रेटेजी बना के उन 10 लोगों से क्या 20 सेल नहीं निकलवा सकते पूरे साल भर के अंदर में? एक व्यक्ति को फोरे तक आप एक साल में नहीं पहुंचा सकते। अगर 10 लोगों को आप अगर 20-20 सेल करवा देते हैं तो 200 सेल हो गया या नहीं हो गया? क्या सर? बिल्कुल। 200 सेल हुआ या नहीं हुआ? हुआ। तो एक व्यक्ति को कितना लाना है? 10 ही व्यक्ति तो लाना है। वो व्यक्ति मान लीजिए हम आज जुड़े हैं और आज से हमने प्लानिंग किया है कि मुझे 1 करोड़ के क्लब में शामिल होना है। तो हम कैसे 1 करोड़ के क्लब में शामिल हो सकते हैं? तो 200 मशीन लाना है। तो या तो हमको 200 मशीन स्वयं से बेचना होगा, यह संभव है क्या किसी के लिए भी? लेकिन अगर हम पूरे टीम के साथ अगर 200 मशीन बेचना चाहें तो यह संभव है या नहीं संभव है? संभव है, बेचा जा सकता है। तो हमें अपना 10 लीडर को तैयार करना पड़ेगा, ऐसे 10 लीडर को जो कि इस एक साल तक वो मिशन बनाकर काम करें। और मिशन बना के काम करने का मतलब यह है कि इनेजिक के लिए सबसे प्राथमिकता उनको देना होगा।
जिंदगी में उनके और भी बहुत सारे काम होंगे, बहुत सारे शादी में विवाह में उनको अटेंड करना है, पार्टी में अटेंड करना है, नौकरी है, बिजनेस है, बहुत सारी चीजें उनके साथ लाइफ के अंदर में है, वो सब चलते रहना चाहिए। लेकिन इनर्जिक की बात जब आए तो वो प्राथमिकता होनी चाहिए कि आप अपने लाइफ के अंदर में जिस चीज को प्राथमिकता देते हैं उसी जगह से आपको कुछ ना कुछ प्राप्त हो सकता है। अगर आप इनर्जिक को और केंगेन को अगर प्राथमिकता नहीं देते हैं तो चाहे आप एक साल या 10 साल तक काम करते रहिए तो वैसे ही पैसा 1 लाख 2 लाख 5 लाख ऐसे ही आता रहेगा, और नीचे के कुछ लोग काम करते रहेंगे तो थोड़ा बहुत आता रहेगा, फिर आना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम लंबे समय तक और बड़ा पैसा यहां से कमाएं तो हमें इस बिजनेस को सबसे पहले प्राथमिकता देना होगा, इस बिजनेस को सम्मान देना होगा, इस बिजनेस को इज्जत देना होगा, और सम्मान के साथ इस बिजनेस के बारे में जब भी चर्चा करें तो आपका श्रद्धा और आपकी आंखें और आपका जो मन है वो शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। क्योंकि जहां से आप करोड़ों रुपया आज जीवन भर लोग काम करने के बाद भी 1 करोड़ रुपया नहीं कमा पाते हैं, और जहां से आप 1 साल के अंदर में 1 करोड़ रुपया कमाने की सपना देखते हैं और एक ऐसा अपॉर्चुनिटी जो वाकई में आपको ये सारे सपने पूरे करने की ताकत रखता है, तो अगर उस व्यवसाय को हम सम्मान नहीं देते हैं, इज्जत नहीं देते हैं, तो वो संभव नहीं है वहां से कुछ भी पाना। तो पहला चीज है कि सभी लीडरों को इस व्यवसाय को इज्जत देना होगा, सम्मान करना होगा, और दूसरी बात कि इनर्जिक में जुड़े हुए चाहे कहीं का भी लीडर हो, चाहे वो आपके टीम का लीडर हो या किसी के भी टीम का लीडर हो, कोई भी हो, तो जो लोग इनर्जिक में नहीं है उससे तो बेहतर है कि जो लोग इनर्जिक में है उनका नाम आने से ही आपको सम्मान के साथ उनका नाम लेना चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। अच्छा वो इनर्जिक करते हैं, अच्छा केंगेन का काम करते हैं, अरे वेरी गुड, तब तो आपको गारंटी के साथ मैं बोलता हूं कि वो बहुत अच्छे व्यक्ति होंगे, उनका बहुत ही अच्छा सोच होगा, दैट्स व्हाई वो यहां पर इनर्जिक बिजनेस के अंदर में है। ऐसा बोलने से आपके बिजनेस का एक माहौल बनता है, एक इन्वायरमेंट बनता है, और जिससे उस प्रोडक्ट के प्रति भी लोगों की सम्मान बढ़ता है, उस कंपनी के प्रति सम्मान बढ़ता है, और सबसे बड़ी बात है आपके अच्छा कहने से आपके प्रति दूसरों का सम्मान बढ़ता है, और जब आपका सम्मान बढ़ेगा तब आपसे कोई भी डील करने के लिए लोग तैयार होंगे। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है कि हमको इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए विश्वास का होना जरूरी है, श्रद्धा का होना जरूरी है, कमिटमेंट का होना जरूरी है, डिसिप्लिन का होना जरूरी है, और सीखते रहने की प्रयत्न करने के लिए तत्परता होना बहुत जरूरी है। अगर हम नई नई चीजों को सीखने की तत्परता नहीं है, नई बातों को सीखने के लिए, इस प्रोडक्ट की नई जानकारी के लिए, ये सारी चीजों को अगर सीखने की उत्सुकता अगर बरकरार रहती है हमेशा, तब वो व्यक्ति इस बिजनेस में डूब कर बिजनेस करेगा, और जब डूब कर बिजनेस करेगा तो यहां से अगर 1 साल के अंदर में अगर उसने 1 करोड़ रुपया कमा लिया तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि वो इस बिजनेस से 1000 करोड़ रुपया कमा सकता है, क्योंकि ये बिजनेस में इतनी ताकत है कि ये वो सब कुछ आपको देने का ताकत रखता है। डिपेंड करता है आपकी सोच पे कि आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं और सोच रहे हैं। तो जो हम लोगों का मिशन है, मिशन 10,000, और जो मिशन है कि दीपक सर के टीम से 50 लोगों को हम लोगों को बनाना है करोड़पति, तो वो 50 लोग कौन होंगे और कैसे होंगे, तो इसमें जुड़े हुए जितने भी लोग हैं सभी लीडर हैं, और जितने भी लीडर हैं उसमें से मुझे लग रहा है कि 20% लीडर ऐसे हैं जो कि 1 करोड़ रुपया लगभग कमा चुके हैं, लेकिन बाकी के जो लोग नहीं कमाए हैं उन लोगों के लिए हम लोगों को मिलकर सोचना है कि कैसे वो उन्हें 1 करोड़ रुपया इस बिजनेस से आएगा। तो उनको रणनीति बनाने के लिए और बिल्कुल ठोस कदम उठाना होगा, और उनको किसी भी हालत में बोलना होगा कि आपको 10 लीडर को तैयार करिए, और उस 10 लीडर को आप अकेले तैयार नहीं करेंगे, उसको सिर्फ बिजनेस के अंदर में लाइए और उस 10 के साथ हम बैठेंगे और हम लोग बैठ के बात करेंगे और उनके सारे सवालों का जवाब देंगे, जो भी उनको लगता है कि इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए किन किन चीजों की रोड़ा आ सकती है, किन किन सवालों का सामना हो सकता है, कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, कैसे हम डेमो अच्छा कर सकते हैं, डेमो में हम कैसे अच्छी क्वालिटी ला सकते हैं, टूल्स में जो है कि हमको बिजनेस प्रेजेंटेशन करने के लिए कौन कौन से टूल्स लगते हैं,
हमारा बैग कैसा होना चाहिए, हमारा ड्रेस कैसा होना चाहिए, हमारा जूता कैसा होना चाहिए, हमारा हर एक चीज, हमारे पास ओआरपी मीटर कैसा होना चाहिए, पीएच लिक्विड कैसा होना चाहिए। डेमो में और भी जो है कि बहुत सारे चीज हैं, विटामिन सी का गोली है, विटामिन जो भी चीज लगता है, उस सारे चीजों साधनों से उनको संपन्न होना होगा। और संपन्न करने के बाद वो स्वयं से डेमो दिखाने के लिए तैयार रहें और जी कुछ मत करें, प्रत्येक दिन वो दिमाग के अंदर में बैठा के रखें कि दो व्यक्ति को हमको डेमो दिखाना है, चाहे वो व्यक्ति पसंद करे देखना या ना पसंद करे, लेकिन दो व्यक्ति तक अगर हम एवरीडे डेमो नहीं दिखा रहे हैं तो हमारे अंदर बेचैनी होनी चाहिए कि कुछ काम छूट गया है मेरा, तब जाकर यह मिशन कामयाब होगा। क्योंकि स्वयं के सिर्फ सोचने से कि बहुत बढ़िया बिजनेस है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, हम बड़ा बिजनेस करेंगे, ये करेंगे, लेकिन हम घर से बाहर निकलते नहीं हैं, हम लोगों से मुलाकात नहीं करते हैं, लोगों से बातें नहीं करते हैं, लोगों को डेमो नहीं दिखाते हैं, तो फिर रिजल्ट स्वतः नहीं आएगा। लोग स्वयं से दौड़कर, आप इस बिजनेस के अंदर में जितने भी लीडर्स हैं, हम लोग जानते हैं कि बहुत बढ़िया बिजनेस है, बहुत पावरफुल मशीन है, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं, इसका इनकम प्लान बहुत बढ़िया है, इसमें बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन ये बात जो लोग जुड़े हुए नहीं है इस बिजनेस से, उनको इतनी गहराई तक नॉलेज नहीं है, तो वहां तक हम लोगों को पहुंचाना होगा ये बात, और उतनी गहराई जितना अपने अंदर है उतना ही गहराई उन 10 लोगों के अंदर डालना होगा। अगर वो 10 लोग इस बात को समझ लेते हैं और तैयार हो जाते हैं कि नहीं, हमें किसी भी तरीके से इस बिजनेस के अंदर में अपने तमाम सपनों को पूरा करना है, तब जाकर वो व्यक्ति 1 साल के अंदर में, एक छोटा टारगेट है कि मात्र 20 मशीन, तो अगर 10 लोग अगर 20-20 मशीन का भी टारगेट लेते हैं तो आपकी टीम में 200 मशीन आ गई। जो व्यक्ति आज जुड़ा है वो ये कर सकता है। तो आप सोच लीजिए कि अगर कोई लीडर है जो 4A है, 5A है, उसके पास ऑलरेडी पहले से वो 10 लीडर अगर ये टारगेट ले ले कि हम अपने टीम से 200 लेंगे, तो 2,000 ज्वाइनिंग, 2,000 मशीन आपके टीम में आ सकता है। तो जो दीपक सर आप लिए हुए हैं, जो अपना टारगेट 10,000, अगर ये मिशन कामयाब हो गया तो ये आने वाले दिनों में ये 10,000 मशीन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बसरते कि लोग जितना तत्परता इस मीटिंग के अंदर में बैठ के दिखाते हैं, जितना तत्परता फोन पे बात करके दिखाते हैं, किसी मीटिंग के समय में स्टेज पे खड़े होकर बात करके दिखाते हैं, उतना ही तत्परता वो किसी अन्य के लिए नहीं, स्वयं के लिए लें, स्वयं के लिए एक प्रतिज्ञा लें और स्वयं के लिए एक संकल्प लें कि हमारा लिए इस बिजनेस में कामयाब होना जरूरी है और हमारे सारे सपनों को पूरा हम इसी बिजनेस से हमें करना है, ऐसा सोच और ऐसा विश्वास लेके चलेंगे तो कामयाबी मिलने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मैं तो लोगों से बोलता हूं और उदाहरण भी देता हूं कि आज आपके पास तो 50 टीम के लीडर होने की जरूरत है, लेकिन आपके व्हाट्सएप ग्रुप में 100-100 लोग चाह रहे हैं कि मैं इस मिशन में शामिल हूं। इसका मतलब है कि वो 100 लोग चाहते हैं कि हम करोड़पति क्लब में शामिल हो जाए। तो इतना जब आपके जैसे लीडर के पास इतने लोगों का बड़ा टीम है तो 10,000 किया 1,00,000 मिशन भी जो है उसको भी आप अचीव कर सकते हैं। दिल्ली जैसे जगह में जब 5 आदमी मिलके सरकार बना सकता है तो हम जो है आज 25,000-50,000 मशीन बेचने के लिए अगर हम अपने सैनिक को तैयार कर दें तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन उस सैनिक हम लोगों के धीरे धीरे तैयार हो भी रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे लोग एनर्जी के अंदर में छट कर आ रहे हैं और बहुत लोग जो आज काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो आने वाले दिनों में काम नहीं करेंगे, आने वाले दिनों में वो भी काम करेंगे और इस तरीके से हम लोगों का कारवां बहुत बड़ा कारवां बन सकता है।